रेत पर रियाल्टी, बजरी पर रियाल्टी, मकान की क्या बनाया टैक्स दे तू ने बाहर कहना टैक्स ओ बाहर कहना टैक्स शुरुआत करनी पुत्र तनखा घट जानी नहीं देते पानी कि 400 रुपया लेंदा ध्याड़ी 500 लेंदा ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਣੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਚਲਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਅਰਲੀ लेकिन मैं एक समेट सबसे फॉर एग्जाम्पल कठुआ सिटी किन्ने जरूर है बट मैं इसी पूरे तरीके सिटी नहीं मनता आखने का मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट असेंगी शहर च पता कह रहा सुविधाएं को बद सुविधा लेने शहर च आता बट क्या अस अपने कठुआ शहर च अपने नागरिकें गी पूरी सुविधा देने च कामयाब होए अज तक साढ़े कठुए दे वार्डे च साढ़े कोल सफाई कर्मचारी नहीं है अगर म्युनिसिपैलिटी दी गल करदे नहीं है जिल्लै बरसात हुंदी है लोकें दे घरें विच पानी बड़ी जांदा है अज भी लोग जिहड़ा है ओह डब्बे डब्बे कन्नै पानी बाहर कड्डा दे बिल्कुल पहली गल दूई गल साढ़े कठुआ शहर च अज भी लोकें गी पाए पीने गी पानी जिहड़ा है ओह पूरे तरीके कन्नै प्योर नहीं मिला ठीक है असें लोकें गी पंज पंज छे छे दिन बाद जिहड़ी है ओह कि अंबाला ते शिमला दा दसवां हिस्सा बट क्या अंबाला ते शिमला दे अस दसवां हिस्सा भी डिवेलप हैं नहीं है पहला ते सवाल है मेरा मनना यह है कि टैक्स भी ठीक है जिन लोगों ने मुझे चुन के जहाँ बिठाया हुआ है अगर वो विरोध कर रहे हैं तो मैं उनके साथ हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाने से पहले हमें वो इतनी सुविधा तो दे दे जैसे हम मेरे एक पार्षद पाठी पठानिया साहब ने बोला हमारी ना कोई रोड है ना बिजली है ना 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 और देखो हमारी आप सब कठुआ के ही हैं कितनी बिजली आती है हमारी अगर सुबह 6 बजे बंद होती है शाम 6 बजे तक हम बिजली को तरसते रहते हैं अगर पानी है तो वो किसी को आता ही नहीं है वार्ड नंबर 1 में देख लो पानी नहीं है वार्ड नंबर ऊपर जितने भी नहर के ऊपर सारे जितने भी वार्ड है वहाँ तो पानी है ही नहीं है ये हमने तो चलो बोर कराना शुरू किया है लोगों को बेचारा पानी यानी मिले और इसके बाद टैक्स किस बात का देना हमने जब हम सीमेंट लेते हैं उसके ऊपर 18% टैक्स देते हैं सरिया लेते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं अगर रेता लेते हैं तो उसके ऊपर रॉयल्टी देते हैं बजरी लेते हैं रॉयल्टी लेते देते हैं और जो चीज़ हमें 500-700 रुपये में मिलती थी आज वो 8-8 हज़ार रुपये मिल रही है रेते की ट्राली पहले मतलब 1100-1200 रुपये में एक ट्राली मिल जाती थी आज रेते की ट्राली एक तो मिलती नहीं है ऐसे ही सिस्टम बना दिया गवर्नमेंट ने एक तो मिलती नहीं है अगर मिलती है तो 8-10 हज़ार से कम नहीं मिलती है और एक गरीब आदमी एक कमरा बनाने के लिए तरस रहा है जिस आदमी गरीब आदमी का कमरा अगर 50 हज़ार में बनता था आज 3-4 लाख से कम नहीं बनता है ये तो आप कभी नोट करना और देख लेना जाके बाकी टैक्स हम तब देना जब हमारी ये सारी सुविधा पूरी करें हमें रियाल्टियाँ छोड़ें हमें और हमारी ज़मीनों में हमारे लोगों के ऊपर रियाल्टी हैं ये जो दरिया है ये सारा मतलब कि लोगों का पर्सनल दरिया है दरिया ने जगह वो कर ली पानी छोड़ छोड़ के मतलब हमारी जगह बर्बाद कर दी लेकिन है तो हमारे लोगों की है उसके भी पैसे ले रहे हैं रियाल्टी के
और उसकी जो है ज़बरदस्ती रियल्टियाँ ले रहे हैं, और रियल्टी का भी कोई ऐसा रेट नहीं है कि मतलब कि एक ट्राली से हो सकता है 500 ले, दूसरे को ज़बरदस्ती 2000 रुपया ले ले, मतलब ऐसा ऐसा सिस्टम बना दिया है। तो और वो भी कभी कोई रोक देता है, कभी कोई रोक देता है, इसलिए ये टैक्स हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारे काउंसलरों को भी मंजूर नहीं है, तो हमें कैसे मंजूर होगा। और जब ये कोई बात ये नहीं है कि हम कोई बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं या कोई आज़ाद हैं, ये वो है, ये सारे काउंसलर हमारे जितने भी हैं सारी पार्टियों को भी हैं, लेकिन हमें ये सारे कह रहे हैं कि हमें टैक्स मंजूर नहीं है। सभी पास जहाँ मौजूद थे उन्होंने क्या, आपने सुना, सबने एक ही नारा दिया कि हम टैक्स नहीं देंगे, सीधी बात। प्रताप जी, क्या शहरवासी